संकलित खेती अंतर्गत एक ही फसल उगाने की पारंपरिक पद्धति के बदले विविध फसल उगाने की मिश्र पद्धति अपनाने से पूरी फसल नष्ट हो जाने की संभावना कम हो गई है। फलस्वरूप तुरंत आर्थिक फायदा कराने वाली बागवानी फसल के कारण किसानों को जल्दी तथा निश्चित आमदनी मिलती रहती है। बागवानी योजना और फसल परिवर्तन योजना अंतर्गत संतरे, आम, अनार और गेंदा फूल जैसी फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्य हेतु किसानों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। उपरांत नाबार्ड संस्था के सहयोग से आदिवासी क्षेत्र में वाड़ी परियोजना का व्याप बढ़ रहा है। माझ्या इथं बजाज फाउंडेशन ने वाड़ी दिली आहे, आंबा दिला आहे, आवळा, निंबू हे वाड़ी दिली आहे। विहिरीले त्याने मदत केली आहे, विहिरीले पाणी चालू आहे। माझ्याजवळ 550 म्हणजे हजाराचं उत्पन्न होईल। आता आंब्यापासून म्हणजे पिंचन मला भेटणार आहे आणि माझे मी तर केलंच आहे पण माझे पुढं नातू यायला काहीतरी उत्पन्न भेटणार आणि पिंचन त्याला चालू होईल। वाडी परियोजना अंतर्गत बंजर जमीन को भेज संरक्षण द्वारा उपजाऊ बनाकर उसमें आंतर फसल बोई जाती है। सीकर राजस्थान और वर्धा महाराष्ट्र के तकरीबन 12,455 किसानों ने इस योजना की सहायता से अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं।